ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे है मेरे गाड़ी पे हाथ लगाने की? इसको तो अभी बताती हूँ। अबे ओ भिखारन, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे गाड़ी पे हाथ लगाने की? मैम वो मेरी चप्पल। अबे ओ, चप्पल के नीचे कुचलने वाले कीड़े मकोड़े हो तुम गरीब लोग, और तेरी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी पे हाथ लगाने की? अबे तूने कभी इतनी महंगी गाड़ी देखी भी है? तूने तो क्या, तेरे पूरे खानदान ने भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। देखिए आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। अबे ओ, अब तेरी बात सुनेंगे हम, पहले ढंग से खड़ी होना तो सीख ले। तो जानती भी है कौन है हम लोग? इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मंडल इंडस्ट्रीज ने हमें खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और शहर के बड़े बड़े घरों में से हम लोग, और हमारे पास इतना पैसा है ना, तो जैसे लोगों को ना खड़े खड़े खरीद के बेच सकते हैं। खैर छोड़ो, अबे इसकी हालत तो देख, इसके कपड़े तो देख, ये 100 रुपए का सूट, ये ऑयली बाल, किसी रेड लाइट में बैठ के भीख मांगने वाली ना तू? अबे छोड़ ना, इन जैसे लोगों की मुंह की लग रही है, सारा मूड खराब कर दिया इसने। हाँ यार, इतना अच्छा दिन था, इतने अच्छे काम के लिए जा रहे थे, और इस मनुष्य की शक्ल देख के पूरा मूड खराब हो गया। चल चलते हैं अब फट यहाँ से। यार कब से वेट कर रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा? मैम ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है। एक साथ? लेकिन एक साथ क्यों? चलना, चलकर देखते हैं। आइए चल। मैम मैं आई कमीन, तुम लोग ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाओगे। मैम मतलब हम समझे नहीं। तुम? हाँ मैं। भैया ये आपकी मैम कौन है? अरे आप इनको नहीं जानते, मैम मंडल कंपनी की सीईओ हैं। सीईओ? मैम हमें मालूम नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मैं मानती हूँ कि आप दोनों को नहीं पता था कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। अगर पता होता तो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आप दोनों ने कितना घटिया बिहेव किया मेरे साथ। एक बार भी मुझे बोलने नहीं दिया, ना ही मेरी बात सुनी। और तो और आपको पता है मैंने सिर्फ आपकी कार में हाथ रखा था क्योंकि मेरे पैर में कांटा लग गया था, और आप दोनों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की, मेरे कपड़ों की इंसल्ट की। और एक सेकेंड, वो क्या बोल रहे थे आप लोग, छोटे लोग? क्या होते हैं छोटे लोग? आपको पता है हर इंसान सेम है, इंसान को इंसान की तरह समझो, ना कि ये कि छोटे लोग और बड़े लोग। वैसे आप दोनों को तो आपके पैसों का घमंड है ना, पावर का घमंड है, तो आप दोनों कहाँ समझ पाओगे। अच्छा हुआ मुझे आप दोनों का करेक्टर पता चल गया, वरना इस कंपनी का क्या ही होता। घमंड इंसान को आधा कर देता है, मैंने तो ये बस सुना था, आज देख भी लिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, इससे हमारी जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या जॉब? जॉब तो तुम्हें इस कंपनी में कभी नहीं मिलेगी। इस कंपनी में तो क्या, इस शहर की किसी भी कंपनी में नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें हर कंपनी से ब्लैकलिस्ट करा दिया है। किसी भी कंपनी को ना तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो लोगों के करेक्टर को यूटिलाइज करते हैं, उनके बारे में घटिया बोलते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वैसे तुम दोनों ना कंपनी को ऊंचाइयों में ले जाने के बजाय नीचे डुबा दोगे, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम दोनों को तब तक जॉब ना मिले जब तक तुम दोनों का घमंड ठिकाने में ना आ जाए। समझ में आ गई बात? प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए। मैम प्लीज हमें जॉब दे दीजिए। ड्राइवर गाड़ी निकालो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट कर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या कमेंट में भी बता सकते हैं मॉरल के साथ, ताकि उस पर हम अच्छी सी वीडियो बना सके और लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपकी स्टोरी है दम तो भेजिए जल्दी से, हमारी टीम उस पर वीडियो बनाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।